रास्ते में जुम्मे का टाइम था, वो नमाज पढ़ी है। अभी हम निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। ये सामान वगैरह हमने ले लिया है सारा। ये मुबशर मामू तरतीब दे रहे हैं, ये गाड़ी हम लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जगह ऐसी है कि वहाँ पे दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती, कार वगैरह, तो ये 4x4 है तो ये इजीली जा सकती है। चले लेट्स गो। ये यहाँ की रोड है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम उतर के देख लेते हैं कि किस जगह से गाड़ी उतर सकती है, तो अभी वो जगह, उस जगह से उम्मीद है नीचे उतरेगी इजीली। सफर की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। ये अभी एजाता वर्ल्ड जाते हुए ये रास्ते में हम जरा रुके। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो ये जगह है, अगर आपको मेरी अच्छी तरह से आवाज आ रही है, ये वो जगह है जहाँ पे आसमान की तरफ से आगे एक सियारा, आई थिंक ये इसकी तारीख बड़ी पुरानी है, मुझे एक्यूरेट तो नहीं आ रहा, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी, ये देखें, ये थोड़ा सा आगे है मुबशर। ये नीचे आप थोड़ा सा लगाएं, ये देखिए आप पत्थरों पे, आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी अजीब तरह की है, ये यहाँ पे आप जियोलॉजी बोल सकते हैं इसको, लिथोलॉजी बोल सकते हैं। जैसा कि मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपको जियोलॉजिस्ट के, जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बातें बताऊँगा। तो आप भी लोग यहाँ पर आएँ, आपको मज़ा आएगा। ये बड़े रोड तो काफ़ी मुश्किल है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर छोटी गाड़ी नहीं आ सकती, ठीक है। कोशिश करें आपके पास अगर 4x4 हो तो वो अच्छा है, तो नहीं तो फिर आप घर बैठ कर ही यहाँ की वीडियोज हमारी देखें और इंजॉय करें। चाहिए स्टार्ट है। ये अभी हमने आग जलाई है बड़ी मुश्किल से, मांग मांग के लाइटर, क्योंकि हम लाइटर भूल गए थे, तो ये मुबशर मामू ने थोड़ी सी हिम्मत की है। जाके एक बंदे से लाइटर मांग के लाया। अभी यहाँ पे हल्की हल्की ठंड भी है तो, लेकिन व्यू अच्छा है इधर। कैसा आपको कैसा फील हुआ? हम कंप्लीट तो नहीं जा सके क्योंकि शायद किसी वजह से इन्होंने तकरीबन 5 किलोमीटर पहले एजाफ्ताबाद, जहाँ मेन जगह है, तो उससे पहले इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था। तो खैर, थैंक यू सो मच। चाय भी बन रही है तो आबादियों के साथ सुबह की फारगी के बाद तुम्हारी चाय।
खाना वगैरह खा के फ्री हुए हैं। बड़ा मज़ा आया है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा था। अभी तो वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया, हल्की हल्की ये देखें थोड़ी थोड़ी बारिश का भी माहौल बन रहा है क्योंकि बादल आए हुए हैं। बहुत मज़ा आया, आप ज़रूर हैं, बट हमारे साथ थोड़ा सी प्रॉब्लम ये होगी कि अभी इन्होंने किसी प्रॉब्लम की वजह से रास्ता बंद किया हुआ था। होप नेक्स्ट जब आएंगे तो खुला होगा। अल्लाह हाफिज़।